हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेड इजी का जो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, परीक्षा कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं ये देखेंगे, और क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें क्या आता है। मैंने दो तरह का होता है, एक होता है टेक्निकल टेस्ट होता है और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। तो चूंकि मैंने नॉन टेक्निकल एग्जाम में अपीयर हुए थे तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि पेपर में नॉन टेक्निकल में भी मैथ से कितना आता है, मैथ में भी कहाँ से क्या आता है वो सब देखेंगे, एप्टीट्यूड में क्या आता है, इंग्लिश कितना आता है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है ये सब देखेंगे। साथ ही में 2019 का NST 1 का क्वेश्चन पेपर प्लस सॉल्यूशन सेट दोनों इस वीडियो में रहेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सामने अभी रखा हुआ है आपके ये एडमिट कार्ड, रोल नंबर दिया हुआ है, पेपर टाइप दिया हुआ है एप्टीट्यूड बेस्ड या फिर नॉन टेक्निकल जो बोलो आप। परीक्षा 6 तारीख को था अक्टूबर में और एग्जाम टाइम 10 बजे से 11 बजे, मतलब आपको 1 घंटे मिलते हैं। चूंकि यहाँ लिखा हुआ 10 बजे है बट मैं बोलूंगा कि आप आधे घंटे लिखा हुआ है पहले पहुंचने को तो आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपको बाहर जाके वो आपका एडमिट कार्ड मतलब अटेंडेंस लेते हैं बाहर में ही, उसके बाद आपको अंदर जाने मिलता है। अंदर जाने के बाद भी बैठना बैठना होता है, रूम ढूंढना होता है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले ही चले जाओ आधा घंटा पहले। प्रिंट आउट 1-2 दिन पहले करा लेना बेटर होता है। और लोकेशन पे कैसे जाना है, खासकर जैसे कि ये जनरली संडे पे पड़ता है तो उस दिन जो है ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं जो है थोड़ी सी डिसरप्ट होती हैं, तो आप पहले से पता कर लें कि कैसे जाना होता है, दैट विल बी मोर इजी। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक फोटो वाला आईडी ले जाना होता है, कैलकुलेटर अलाउड है, सबसे बड़ी बात पानी लेके जाइएगा, हालांकि हमको नहीं लगता पीने का टाइम मिलेगा, 1 घंटा ही होता है परीक्षा देने के लिए। और भी है कि OMR में करना पड़ता है, आधे घंटे पहले मैं आपको इसलिए भी जाने को कह रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग शांत रखना होगा, क्योंकि आपको OMR फिल करना होता है और OMR में सिर्फ आपको आंसर नहीं फिल करना है बल्कि आपको अपना पूरा नाम OMR में, पहले तो ऐसे जनरली कैपिटल्स में लिख के उसको OMR में भरना होता है, पूरा रोल नंबर आपको लिख के कैपिटल्स में उसको OMR में भरना होता है। ठीक है, सारे कुछ डेट ऑफ बर्थ हुआ, फोन नंबर हुआ, इन सबको लिख के फिर OMR में भरना होता है, तो बहुत परेशानी हो जाता है। चूंकि लाइक रोल नंबर जो है अल्फा न्यूमेरिक होता है तो आपको 26 वैसे और 10 वैसे नंबर्स, 10 और 26 अल्फाबेट्स के कॉलम होंगे उसमें आपको ढूंढना होता है। पेंसिल से OMR भरना मना होता है तो आपको एक ब्लैक या फिर ब्लू पेन ले जाना चाहिए। और एक बात है कि वहां पे रफ शीट मिलेगा तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो रफ शीट यूज किया कीजिए। चलिए आप क्वेश्चन पेपर में चलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा दिखता है, पूरा लोगों को दिया हुआ है जनरल एप्टीट्यूड फॉर ESC 2021 या फिर ये 2021 एस्पिरेशंस, है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्वेश्चन पेपर में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है। सेक्शन 3 सेक्शन में बटा हुआ है टोटल पेपर। पहला सेक्शन है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। और तीसरा सेक्शन है जनरल इंग्लिश, इसमें 10 क्वेश्चन है। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कैलकुलेटर परमिटेड है, ठीक है, OMR सीट पे भरना है। हाँ, तो ये आ गया क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है। तो चूंकि हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, नोटपैड खोल लेते हैं, ठीक है ना, उसमें देख लेते हैं मैथ का किस हिस्से से कितना आया। तो पहला जो है मैट्रिक्स से देखोगे आप तो एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी मैट्रिक्स से आया तो दो, और नीचे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो है लैपलेस से आया तो लैपलेस से 1 क्वेश्चन, उसके बाद वाला क्वेश्चन फिर से मैट्रिक्स से तो मैट्रिक्स से 3 क्वेश्चन, यहाँ मैक्सिमम मिनिमा से आया तो इसे भी डाल लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम यानी कि कैलकुलस से आया है ना, तो कैलकुलस से 1 क्वेश्चन। अभी हम लोग 5वें नंबर पे ही गए थे, अब इधर आते हैं तो 6ठा नंबर पे है क्या है इंटीग्रेशन। ये यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना था हम लोग को,
तो ये भी कैलकुलस से ही है, तो कैलकुलस से दो। ये वाला जो आप देख रहे हो सातवां नंबर, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कैलकुलस से ही है, डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो कैलकुलस से तीन। आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसको अलग ही कर लेते हैं, हालांकि इसको कैलकुलस में ही डालना चाहिए था, तो लिमिट से भी एक क्वेश्चन है ना। उसके बाद नौवा नंबर पे चलते हैं, आठवां क्वेश्चन हो गया इधर। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स है, मैथ में भी ये लोग थर्मो घुसा दिए हैं। हाँ, तो थर्मो से एक क्वेश्चन है, सिंपली है कि एक बॉडी ओरिजिनली जो भी है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर दिया हुआ है ये क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडीई। तो पीडीई से एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिख रहा है ना। आगे फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन से एक और क्वेश्चन, फैमिली ऑफ, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही है, हालांकि कर्व्स में भी इसको डाल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सॉरी हाँ, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे ही दिख रहा है, 13वां नंबर। देखिए 14 नंबर प्रोबेबिलिटी, 15 नंबर प्रोबेबिलिटी, 16 नंबर प्रोबेबिलिटी, हाँ तो 16 नंबर भी प्रोबेबिलिटी। 14 से 16 यानी कि 14 15 16, जो 14 15 16, हाँ तीन क्वेश्चन आई गए प्रोबेबिलिटी से है। देख लेते हैं एक बार फिर, एक दो तीन चार, टोटल चार क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है। एक्सक्यूज मी, मेन क्वेश्चन का आप टेंशन मत लीजिए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको मेन क्वेश्चन को एक बार धीरे धीरे करके दे दूंगा, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाए, सॉल्यूशन शीट भी ऐसे दे दूंगा कि आप धीरे धीरे ले पाए। आगे बढ़ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी से चार क्वेश्चन दिया है। अब इधर देखते हैं, तो ये न्यूटन रैफसन इटरेशन मेथड है, यानी कि न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चन है ये। फिर से ये भी जो है आपको यहाँ पे सिम्पसन रूल यूज करना है, 1/6 वाला या फिर 1/3 वाला होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहां से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, बाइसेक्शन मेथड यूज करना है, तीसरा क्वेश्चन, यूलर्स प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड यूज करना है। तो कितना हुआ, आई मीन एक दो तीन चार पांच क्वेश्चंस यहां से, तो न्यूमेरिकल मेथड से जो है पांच क्वेश्चन है। तो मैथ्स में ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो कितना हो रहा है, 3 1 4 3 7 2 9 3 12, 12 4 16 5 21, कहीं मिस कैलकुलेशन हुआ है, बट ऐसा ही कुछ आपका रेशियो बनेगा। मतलब जनरली आपके लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर आप जा रहे हैं परीक्षा को देने तो ये टॉपिक्स देख लें, या फिर पहले से प्रैक्टिस करते रहें थोड़ा थोड़ा, थर्मो ना भी करें, न्यूमेरिकल मेथड से चार क्वेश्चन, तब 20 हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली यही है। अब चलते हैं हम लोग एप्टी को देखने। एप्टी में वैसे देखने लायक कुछ है नहीं, फिर भी देखते हैं। तो एप्टी शुरू होगा हमारा 21 नंबर से, 21 नंबर कहाँ मिस कर रहे हैं, 20 यहाँ था, तो 21 हमारा यहाँ होगा। तो क्या है ये, वर्क एंड टाइम जो होता है ना, वर्क लेबर टाइम, वो वाला प्रॉब्लम है एक, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन जो है मिक्सचर से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये सिंपल साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यदि 12 में जो हम लोग पढ़े थे वही साइमल्टेनियस इक्वेशन है। उसके बाद हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का समय, के बाद हमारे पास एक सम है अल्फा न्यूमेरिक से, ठीक है, या फिर इसको क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने प्रोबेबिलिटी से, हालांकि
हालांकि ये भी 12th का ही एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 26 खत्म, इधर आते हैं 27वां नंबर, देखते हैं किस चीज से है। तो 27वां नंबर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का एक प्रॉपर्टी यूज करता है इसमें। उसके बाद जो है हमारा अगला 28वां नंबर, ये जो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, इसी एग्जाम में नहीं, आप कोई भी दूसरा एग्जाम अभी उठा लीजिए तो ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, स्टेटमेंट एंड असम्पशन। इस पे हमारा एक वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 मिनट का है, जिसमें मैंने सिर्फ बताया है कि क्या क्वेश्चन कैसा होता है। ठीक है, अगला जो है वही है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट साउंड। ये जो है ये वेक्टर का सम है, इसमें आपको डायगोनल निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वेक्टर से भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिक वेक्टर्स, ठीक है ना, जो हम लोग 12 में पढ़े थे, 12 में भी नहीं, फिजिक्स में जो 11 वाला था वो। फिर से ये वॉच वाला है, वॉच और मिरर, आई मीन क्लॉक एंड मिरर का एक क्वेश्चन है। मेरा इस वीडियो करने का यही मतलब है कि आप जान पाए कैसे कैसे क्वेश्चन देता है वो लोग। 32वां नंबर जो है हमारा वो है सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग को वेन डायग्राम बनाना पड़ता है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको आपको यूनिट पोजीशन का न्यूमेरियल बना बताना होता है, मतलब तो कोई भी बड़ा एक पावर करना होता है और उसका यूनिट पोजीशन का न्यूमेरियल बताना होता है। फिर से परसेंटेज का एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन परसेंटेज से है। उसके बाद ये है आपके पास सीरीज का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद है फाइव इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट इन ई इज केप्ट इमीडिएटली अबव ए एंड सी इज केप्ट बिलो ए, तो ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। उसके बाद इधर हम एक्चुअली पहुंच ही नहीं पाए थे, एज रिलेटेड क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। 38 नंबर और दो क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं। तो परसेंटेज से एक क्वेश्चन है एक और ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस, तो बेसिकली आपको ये सारे वर्क एंड लेबर टाइम प्रॉब्लम, मिक्सचर, साइमल्टेनियस इक्वेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, वेक्टर्स, क्लॉक एंड मिरर टाइप सम होता है, तीन चार देख के जाइए, बेसिक बेसिक सेट थ्योरी अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि उसका काम हम लोग को प्रोबेबिलिटी में भी पड़ेगा, परसेंटेज भी देख के जाइए। यूनिट पोजीशन न्यूमेरल हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बार दिया है अगले बार दे ना दे कोई ठीक नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, करने में आपको मजा आएगा, या फिर स्टाइल मारने के लिए भी, केता मारने के लिए भी सही चीज है कि आप किसी को एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे और बोले कि पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट वाला या फिर यूनिट न्यूमेरल क्या होगा बताओ, वो नहीं बता पाएगा, आप एकदम फट से करके दिखा दीजिए, है ना। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। इंग्लिश में चले आते हैं, तो इंग्लिश में पहला दो क्वेश्चन जहाँ तक हमको याद है एरर करेक्शन से था। तो इंग्लिश का पहला दो क्वेश्चन है एरर करेक्शन से, है ना। उसके बाद देख लीजिए आप, लेट मी टेक इट अबाउट, लेट मी रिड्यूस इट साइज, दैट विल डू। ठीक है, तो एरर करेक्शन से एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है एग्जैक्टली। उसके बाद दिया हुआ है कि आपको वही एरर करेक्शन ही है, इसमें आपको कुछ रिकमेंड करना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसकी जगह आपको दूसरा सेंटेंस रिकमेंड करना है। फिर आया है लेजिटिमेट जो है उसको रिप्लेस करना, यानी कि सिनोनिम्स। उसके बाद है नियरेस्ट टू मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स। उसके बाद एक एंटोनिम्स भी दिया हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 46 था, 47 फिल इन द ब्लैंक्स है, जहाँ पे आपको वर्ब फॉर्म जो है फिल करना है, तो इसका प्रैक्टिस करके जाइए वर्ब फॉर्म फिलअप का। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी वही है, यहाँ पे हम गलत कर दिए, यहाँ फ्ली नहीं होगा, फ्लेड होगा, बाद में हम आंसर से, फ्लेड में वो कंफ्यूजन था फ्ली और फ्लेड, बट टाइम ऐसा था नहीं हो पाया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ईडियम्स दिया हुआ है, लोक मुहावरे जिसको हम लोग बोलते हैं, लोक कथाएं या मुहावरे, वो है। ये मेरा शायद सही हुआ था, टू टर्न अ न्यू लीफ
ओवर अ न्यू, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है टू चेंज फॉर द बेटर। हालांकि कंफ्यूजन था टू चेंज फॉर द बेटर और टू वर्क ऑन अ न्यू आइडिया पे, हालांकि हम ए ही चुन के आ गए। और टू चेंज टू स्टार्ट राइटिंग अ न्यू बुक नहीं होता, वो पहले ही हम डिसाइड कर लिए थे। टू क्लियर द ग्रास भी नहीं होता। फिर से है वन इज, ये जो है सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन दिया है इन्होंने। ये सारे टॉपिक आप इंटरनेट पे भी कीजिएगा सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये आप गूगल कीजिएगा तो इसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, या फिर किताबों में ढूंढ के कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप बार बार एक ही किताब को खोलें बेहतर होगा। अरिहंत का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश बोल के है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए, उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। हम कभी कभी जब फ्री होते हैं तो वहीं से देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपके लिए काम आ सकता है। लास्ट में मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं इन सारे, इसको पहले मैं सेव करके रखती हूँ, कंट्रोल एस NST made easy, है ना। ये डॉक्यूमेंट हम ड्राइव का एक आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं या फिर वीडियो देख के नोट कर सकते थे। हालांकि अब हम क्वेश्चन पेपर्स को थोड़ा आराम से दिखा देते हैं, बापा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया लेकिन 75%। हाँ तो अब आप जो है, हम धीरे धीरे करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है पहला पेज, ये रहा दूसरा पेज, ये रहा तीसरा पेज, और ये रहा चौथा पेज। तो चौथा पेज रहा, तो अभी हम लोग एप्टीट्यूड में जस्ट जस्ट घुसे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। उसके बाद जो है 27वां नंबर, ये रहा। उसके बाद लास्ट पेज है शायद ये, नहीं इसके बाद भी एक पेज है, तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, ये रहा। और अगला पेज ये, इसके बाद जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि वो दे देंगे आपको OMR शीट, आई मीन आंसर शीट, तो ये रहा आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सुविधा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर अच्छा लगे तो इसको अपना प्लेलिस्ट में सेव करके रख लीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खासकर यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ ना कुछ तो आपके लिए होगा ही, और नहीं भी होगा तो हम जनरली यही सोचते हैं कि फ्यूचर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कंटेंट लाएंगे फॉर इंडियन स्टूडेंट, फॉर वो स्टूडेंट जो बंगाल में रहते हैं।